हाय गाइस, दिस इज रज्जू। गाइस, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? मेलोडी इतना चॉकलेटी क्यों होता है? इसके बाद अगर दुनिया में फिलहाल सबसे बड़ा सवाल कोई है तो वो ये है कि आयरन मैन क्या एवेंजर्स सीक्रेट वॉर में रिटर्न आएगा? ये क्वेश्चन मुझसे काफी भाइयों ने पूछा है, SRN मूवीज ऑफिशियल विद सिड और बहुत सारे कमेंट्स आए थे, इसलिए सोचा चलो आज ये कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर दिया जाए। अब वीडियो शुरू होने से पहले ही लाइक एंड सब्सक्राइब का बटन दबा दो, वरना मैं नहीं बताऊंगा। पहले लाइक एंड सब्सक्राइब दबाओ। चलो ठीक है, अब बताता हूँ। देखो, मैंने ना इस टॉपिक पे दिन रात एक करके रिसर्च किया, मार्वल के वेबसाइट, दूसरे थर्ड पार्टी वेबसाइट्स और न जाने कितने ही यूट्यूबर्स के वीडियोस को देखा, सिर्फ ये कंफर्म करने के लिए कि आयरन मैन सीक्रेट वॉर्स में वापस आएगा या नहीं। बट मार्वल ने ऑफिशियली कभी भी कहीं पे भी सीक्रेट वॉर्स में RDJ का जिक्र नहीं किया है। मुझे किसी भी वेबसाइट पे कोई भी आर्टिकल में ये चीज कंफर्म नहीं मिला। अब आते हैं यूट्यूबर्स के ऊपर जो इस टॉपिक पर एक के बाद एक वीडियो बना रहा है और ऑडियंस का काट रहा है। मैंने इस रिसर्च में बहुत सारे यूट्यूबर्स का वीडियो देखा जो अपने वीडियो को शुरू करते हैं RDJ और सीक्रेट वॉर्स के टॉपिक को छेड़ते हुए, बट वीडियो खत्म होते होते तुम खुद भूल जाओगे कि तुम इस वीडियो में क्लिक क्यों किए थे। लिटरली टॉपिक को ऐसे चेंज कर देता है तुम समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि वीडियो भी तो 10 मिनट से ऊपर होना चाहिए ना। सबको पता है MCU में सबसे ज्यादा फैंस आयरन मैन का है, जलवा है हमारा, इसीलिए टारगेट भी उसी को किया जाता है। अब तुम सब कमेंट में ये लिखो कि तू भी तो यही कर रहा है। उससे पहले मैं बता देता हूँ, इस टॉपिक पर ये मेरा पहला वीडियो है एंड शायद आखिरी भी। मुझे 100% कंफर्मेशन मिलेगा मैं तभी दूसरा वीडियो बनाऊंगा, वरना नहीं। बट अब अगर तुम मेरे से पूछो कि मुझे इस बारे में क्या लगता है, आयरन मैन सीक्रेट वॉर्स में रिटर्न आएगा या नहीं, तो मैं कहूंगा यस, ये हो सकता है। अब मुझे ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि MCU का सबसे ज्यादा बिगेस्ट मूवी कौन सा है? ऑब्वियसली इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम। अब जो सीक्रेट वॉर्स है, इसके बाद मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स का रिबूट होने वाला है। सो मार्वल चाहेगा कि इसका हाइप इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम से भी ज्यादा हो, वरना वो मजा कैसे आएगा। अब सीक्रेट वॉर्स को इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम से भी ज्यादा हिट कराने के लिए RDJ की जरूरत तो पड़ने ही वाली है, उसके बिना ये कभी मुमकिन नहीं होगा। सो ऑब्वियसली मार्वल आयरन मैन को सीक्रेट वॉर्स में जरूर लाएगा, चाहे एक छोटा सा कैमियो ही क्यों ना हो। यही वो रीजन है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आयरन मैन एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में वापस आएगा। वैसे एक और रीजन है जो मैंने सोचा तो नहीं था कि बताऊंगा, बट चलो बता देता हूँ। देखो, आयरन मैन एक लेजेंड है और तुम्हें तो पता ही है। बाकी कंफर्म न्यूज तो किसी के पास नहीं है, इसलिए अलग अलग वीडियोस में जाके अपना टाइम वेस्ट मत करो। कंफर्म न्यूज मिलते ही मैं तुम सबको बता दूंगा, बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। एंड अगर तुम्हारे पास कोई बेटर थ्योरी है तो वो मुझे कमेंट में बताना। अब हाल ही में तुम्हारे भाई ने एक नया गेमिंग चैनल खोला है, जाके वहां भी थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।